गुड मॉर्निंग। चुंबकत्व एवं द्रव्य, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 के हम ये 19 नंबर वीडियो लेकर के मिल रहे हैं। ये हमारा 19 नंबर का वीडियो है। जैसा कि हम पिछला वीडियो में बताए थे कि हम लोग जानेंगे चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है, चुंबकशीलता क्या है, क्यूरी ताप क्या है, क्यूरी बिंदु क्या है, क्यूरी नियम क्या है। तो हम लोग आज के इस वीडियो में इन्हीं सभी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि क्यूरी ताप क्या है, क्यूरी बिंदु क्या है, क्यूरी नियम क्या है, चुंबकशीलता क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है, यानी बाकी इन सभी टॉपिक पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। चुंबकीय प्रवृत्ति, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है? तो किसी पदार्थ के अंदर का वह गुण, किसी पदार्थ के अंदर का वह गुण, किसी भी पदार्थ के अंदर का वह गुण जिसके कारण पदार्थ को, जिसके कारण पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, किसी चुंबकीय पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वह चुंबकत्व को प्राप्त कर लेता है। किसी पदार्थ को जब हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो जिस गुण के कारण यह चुंबकत्व को प्राप्त करता है उसी गुण का नाम है चुंबकीय प्रवृत्ति। ये पदार्थ को हमने चुंबकीय क्षेत्र में रखा और यह पदार्थ चुंबकत्व को प्राप्त कर लिया, चुंबकीय गुण को प्राप्त कर लिया, चुंबकृत हो गया, तो हम कहेंगे कि जिस गुण की वजह से ऐसा हुआ है उसी गुण का नाम है चुंबकीय प्रवृत्ति, उसी गुण का नाम है चुंबकीय प्रवृत्ति, उसी गुण का नाम है चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति जिस पदार्थ का अधिक होता है वो उतना ही जल्दी चुंबकत्व प्राप्त करता है और जिस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कम होता है वो देर से चुंबकत्व प्राप्त करता है। यानी कुल मिलाकर के चुंबकीय प्रवृत्ति का डायरेक्ट कनेक्शन है चुंबकत्व को प्राप्त करने से। कोई पदार्थ कितना जल्दी चुंबकीय गुण को, चुंबकत्व को प्राप्त करता है, कितना देर से प्राप्त करता है, ये सारा बात इस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति कितनी है। चुंबकीय प्रवृत्ति एक मात्रकहीन और विमाहीन राशि है, यह एक अदिश राशि है। मतलब चुंबकीय प्रवृत्ति एक अदिश राशि है, इसका कोई मात्रक और विमा नहीं होता है। सबसे एक बेहतरीन ऑब्जेक्टिव है कि निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति शून्य होती है। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति शून्य होती है, निर्वात को हम चुंबकृत नहीं कर सकते हैं। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति शून्य होती है, इसका मतलब यह हुआ कि निर्वात को हम किसी भी कंडीशन में चुंबकृत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति शून्य है और जिसकी चुंबकीय प्रवृत्ति जितनी अधिक होगी वो जल्दी चुंबकत्व प्राप्त करेगा। इसका तो जीरो है, इसका मतलब ये चुंबकत्व प्राप्त करेगा ही नहीं। ये रहा हमारा चुंबकीय प्रवृत्ति के बारे में। चुंबकीय प्रवृत्ति कोई आपसे पूछेगा कि चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है तो आप कह सकते हैं कि चुंबकीय प्रवृत्ति का मतलब हुआ कि कोई पदार्थ चुंबकत्व को कैसे और कब प्राप्त करता है, कोई पदार्थ चुंबकत्व को कब और कैसे प्राप्त करता है, कितना देर से प्राप्त करता है, कितना जल्दी प्राप्त करता है, ये सारी बातें इस बात पर डिपेंड करती है कि उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति कितनी है। अगला हमारा जो टर्म है वो है चुंबकशीलता। चुंबकशीलता, ये वर्ड जो आप देख रहे हो ना, भले ही शायद आपको याद ना हो, भूल गए होंगे, जब हम चुंबक चैप्टर में कूलाम का नियम बता रहे थे, जब चुंबक चैप्टर में हम कूलाम का नियम बता रहे थे तो हमें चुंबकशीलता मिला था और उस दिन हमने बोला था कि इसकी पढ़ाई आगे हम करेंगे, इसको हम आगे बताएंगे। उस समय बहुत से बच्चे लोगों ने सवाल किया था कि सर चुंबकशीलता क्या है, चुंबकशीलता क्या है,
हमने बोला था कि आगे पढ़ाएंगे, फिर बीच में लोग भूल गए, पूछना छोड़ दिए, लेकिन आज हम बता रहे हैं कि चुंबक स्थिरता क्या है। चुंबक स्थिरता बहादुर किसी पदार्थ का वह गुण होता है, किसी पदार्थ का चुंबक स्थिरता वह गुण होता है जिसके कारण पदार्थ को जब हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो पदार्थ से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या निर्भर करती है। यानी जब हम इस पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, जब हम इस पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इससे गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखा की संख्या कितनी है ये इस बात पर डिपेंड करेगी कि उसकी चुंबकशीलता कितनी है। किसी इस पदार्थ की चुंबकशीलता पर डिपेंड करेगा कि इससे होकर के गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखा की संख्या कितनी है। यानी चुंबकशीलता किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिस पर पदार्थ से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखा की संख्या निर्भर करती है। चुंबकशीलता किसी पदार्थ का वह गुण होता है, चुंबकशीलता किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिस पर पदार्थ से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखा की संख्या निर्भर करती है। चुंबकशीलता किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिस पर पदार्थ से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखा की संख्या निर्भर करती है, चुंबकीय बल रेखा की संख्या निर्भर करती है। यानी चुंबकशीलता किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके अंदर जिसके कारण पदार्थ से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखा की संख्या निर्भर करती है। इस पॉइंट को आप ऐसे समझिए कि जैसे एक पदार्थ ये है और एक पदार्थ ये है, हमने दोनों को सेम चुंबकीय क्षेत्र में रखा, कोई एक चुंबकीय क्षेत्र है उसी चुंबकीय क्षेत्र में हमने दोनों को रखा, तो इसके अंदर हमने महसूस किया कि चुंबकीय प्रभाव ज्यादा है, चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है और इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र कम है। इसका मतलब है कि इसकी चुंबकशीलता ज्यादा है और इसकी चुंबकशीलता कम है। हमने एक ही चुंबकीय क्षेत्र में इस दोनों पदार्थ को रखा, एक ही चुंबकीय क्षेत्र में हमने इस दोनों पदार्थ को रखा तो हमने महसूस किया कि इसके अंदर में चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है और इसके अंदर में चुंबकीय क्षेत्र कम है। मतलब इसके अंदर चुंबकीय बल रेखा ज्यादा गुजरा और इसके अंदर चुंबकीय बल रेखा कम गुजरा। मतलब इसकी चुंबकीयता, इसकी चुंबकशीलता ज्यादा है और इसकी चुंबकशीलता कम है। यानी किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वायु की अपेक्षा अपने से होकर गुजारने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या निर्भर करती है, चुंबकीय बल रेखाओं की गुजारने की जो क्षमता है वो चुंबकशीलता होती है। यानी वायु की अपेक्षा अपने से होकर गुजारने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या की क्षमता ही हमारा चुंबकशीलता है। फिर से एक बार, चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है कि कोई पदार्थ को हमने चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो कितना जल्दी चुंबकत्व प्राप्त करेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति कितनी है। जिसकी चुंबकीय प्रवृत्ति ज्यादा होगी वो जल्दी चुंबकत्व प्राप्त करेगा, जिसकी चुंबकीय प्रवृत्ति कम होगी वो देर से चुंबकत्व प्राप्त करेगा। अगला टर्म चुंबकशीलता, हमने चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय पदार्थ को रखा तो उसके अंदर में चुंबकत्व ज्यादा होगा कि कम होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी चुंबकशीलता कितनी है। हमें चुंबकीय क्षेत्र, एक ही चुंबकीय क्षेत्र है, सेम चुंबकीय क्षेत्र है, लेकिन दोनों के अंदर जब हमने दोनों पदार्थ को उसमें रखा तो दोनों के अंदर प्रभाव अलग अलग नजर आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों की चुंबकशीलता अलग अलग है। एक ही चुंबकीय क्षेत्र के अंदर हमने इन दोनों पदार्थ को रखा फिर भी इन दोनों पदार्थों के अंदर चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है क्योंकि चुंबकशीलता दोनों के अलग अलग है। अगला हमारा टर्म है क्यूरी नियम, तीसरा हमारा टर्म है क्यूरी नियम। क्यूरी नियम, क्यूरी नियम के बारे में तो चर्चा हम थोड़ा सा पिछले वीडियो में ही कर दिए थे। क्यूरी नियम क्या है? तो किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति, किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति जो है, किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति
परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। थोड़ा सा के पॉइंट समझा दो, चुंबकीय प्रवृत्ति को हम काई से सूचित करते हैं, इस चीज का नाम है काई। चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसी का नाम है क्यूरी नियम, इसी को हम क्यूरी नियम कहते हैं। किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसी का नाम है क्यूरी नियम। अगला है क्यूरी ताप या क्यूरी बिंदु, क्यूरी ताप या क्यूरी बिंदु, क्यूरी ताप या क्यूरी बिंदु। बहादुर, जैसा कि आप पिछला वीडियो देखिएगा, पिछला वीडियो ध्यान से देखिएगा तो आपको ये बात क्लियर होगा कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति पर तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति पर परम ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति पर परम ताप, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति पर तापमान का प्रभाव पड़ता है। लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति पर भी तापमान का प्रभाव पड़ता है। बहादुर, लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति तापमान बढ़ता है तो घटता है। लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति जब तापमान बढ़ेगा तो धीरे धीरे घटेगा, जबकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति पर तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति तापमान बढ़ेगा तो चुंबकीय प्रवृत्ति घटेगा। एक विशेष तापमान के बाद चुंबकीय प्रवृत्ति अचानक बहुत ज्यादा कम हो जाता है। एक बार फिर से, लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति तापमान बढ़ने के साथ धीरे धीरे कम होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति पर तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखा जाता है कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कम होता है। एक विशेष तापमान के बाद चुंबकीय प्रवृत्ति का मान तेजी से अचानक कम हो जाता है, और वह जो लौह चुंबकीय पदार्थ है वो अणु चुंबकीय पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है। शायद आप लोगों को याद नहीं होगा, चुंबकीय प्रवृत्ति प्रति चुंबकीय पदार्थ का ऋणात्मक और एक से कम होता है, अणु चुंबकीय पदार्थ का धनात्मक और लगभग एक होता है, लौह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक और एक से बहुत अधिक होता है। यानी अणु चुंबकीय का धनात्मक होता है लेकिन एक होता है, और लौह चुंबकीय का धनात्मक होता है और एक से बहुत ज्यादा होता है। तो जब लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कम होगी तो धीरे 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 इतना कम हो जाता है कि लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति अणु चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति के बराबर हो जाती है, यानी लौह चुंबकीय पदार्थ अणु चुंबकीय पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है। एक बार फिर से, लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। एक विशेष तापमान के बाद लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत ज्यादा कम हो जाता है, इतना ज्यादा कम हो जाता है कि वह जो लौह चुंबकीय पदार्थ है वो अणु चुंबकीय पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है। यही विशेष तापमान जो है, इसी विशेष तापमान को, इसी विशेष ताप को हम क्यूरी ताप या क्यूरी बिंदु के नाम से जानते हैं। इसी विशेष तापमान को, इसी विशेष ताप को हम क्यूरी ताप या क्यूरी बिंदु के नाम से जानते हैं। यानी क्यूरी ताप या क्यूरी बिंदु वह तापमान है जिस पर लौह चुंबकीय पदार्थ अणु चुंबकीय पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है। क्यूरी ताप या क्यूरी बिंदु वह तापमान है जिस पर लौह चुंबकीय पदार्थ अणु चुंबकीय पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है। यह रहा हमारा क्यूरी ताप या क्यूरी बिंदु के बारे में। पिछले वीडियो में हमने इन्हीं चारों वर्ड की चर्चा की थी, चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है, चुंबकशीलता क्या है, क्यूरी नियम क्या है और क्यूरी ताप क्या है, और हम आशा करते हैं कि आपको ये चारों पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब एक नया टर्म है उदासीन बिंदु, न्यूट्रल पॉइंट, उदासीन बिंदु न्यूट्रल पॉइंट, उदासीन बिंदु न्यूट्रल पॉइंट। बहादुर, वह बिंदु जहां पर चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र, नाम से ऐसा स्पष्ट है, उदासीन
का मतलब आप जानते होंगे, जहां दो बराबर एवं विपरीत होता है तो एक दूसरे को उदासीन कर देता है। किसी कोई भी चीज जब दो बराबर और विपरीत होगा तो एक दूसरे को उदासीन कर देगा। तो वह बिंदु जहां चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र, वह बिंदु जहां चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र और पार्थिव चुंबकत्व के क्षैतिज अवयव, वह बिंदु जहां चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र और पार्थिव चुंबकत्व का क्षैतिज अवयव एक दूसरे के बराबर एवं विपरीत होते हैं, वह बिंदु जहां चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र और पार्थिव चुंबकत्व के क्षैतिज अवयव एक दूसरे के बराबर एवं विपरीत होते हैं, एक ऐसा बिंदु जहां चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र और पार्थिव चुंबकत्व के क्षैतिज अवयव एक दूसरे के बराबर एवं विपरीत होते हैं, उसी पॉइंट का नाम है उदासीन बिंदु। यानी जिस बिंदु पर चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र और पार्थिव चुंबकत्व के क्षैतिज अवयव एक दूसरे के बराबर एवं विपरीत होते हैं उसी का नाम है उदासीन बिंदु। जिस बिंदु पर चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र और पार्थिव चुंबकत्व के क्षैतिज अवयव एक दूसरे के बराबर एवं विपरीत होते हैं उसी का नाम है उदासीन बिंदु। अब हम लोग को यहाँ एक जो बेहतरीन ऑब्जेक्टिव है जो बार बार पूछा जाता है, थोड़ा सा हम उस पर चर्चा कर ले। बहादुर, प्रत्येक चुंबक के लिए उदासीन बिंदुओं की संख्या दो होती है, प्रत्येक चुंबक के लिए उदासीन बिंदुओं की संख्या दो होती है, लेकिन जब चुंबक को सीधा खड़ा रखा जाए, उदग्र अवस्था में रखा जाए, जब चुंबक को उदग्र अवस्था में रखा जाए, खड़ा अवस्था में रखा जाए, तो उदासीन बिंदुओं की संख्या एक होती है। लेकिन ये एक वाला भूल जाइए, ये अपवाद में कभी कभी पूछ देता है तो अलग बात है, बस इतना ही याद रखिए कि प्रत्येक चुंबक के लिए उदासीन बिंदुओं की संख्या दो होती है, प्रत्येक चुंबक के लिए उदासीन बिंदुओं की संख्या दो होती है, किसी भी चुंबक के लिए उदासीन बिंदुओं की संख्या जो है दो होती है। एक छोटा सा प्रश्न है, अस्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक में अंतर क्या है, पूछता है एग्जाम में, पूछता है अस्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक में क्या अंतर है, अस्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक में क्या अंतर है, अस्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक में क्या अंतर है, हम लोग ये जानेंगे। बहादुर, विद्युत चुंबक शक्तिशाली होता है, अस्थायी चुंबक कम शक्तिशाली होता है, विद्युत चुंबक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, अस्थायी चुंबक कम पावरफुल होता है, ज्यादा पावरफुल नहीं होता। विद्युत चुंबक अस्थायी होता है, टेम्पोररी होता है, विद्युत चुंबक टेम्पोररी होता है, जब जब मैंने कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा, कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा, यानी इसको हटाया जा सकता है। अस्थायी चुंबक अस्थायी होता है, टेम्पोररी नहीं होता है, इस ये जब एक बार चुंबक बन गया तो ये हटेगा नहीं। लेकिन ये जैसे मान लीजिए विद्युत चुंबक है, तो अभी इसको हम चाहेंगे तो चुंबक बना देंगे, कुछ देर के बाद चाहेंगे तो इसको हटा भी सकते हैं, फिर इसको चुंबक बना लेंगे, फिर इसको हटा भी सकते हैं। तो विद्युत चुंबक पावरफुल होता है, अस्थायी चुंबक कमजोर होता है, विद्युत चुंबक टेम्पोररी होता है, अस्थायी होता है, और अस्थायी चुंबक अस्थायी होता है, परमानेंट होता है। विद्युत चुंबक की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, विद्युत चुंबक की जो पदार्थ है जिसका विद्युत चुंबक बनाया जाता है, उसकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो बहुत अधिक होती है, क्योंकि जल्दी चुंबकत्व को प्राप्त करेगा। और अस्थायी चुंबक की जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो कमजोर होती है, कम होती है। सिंपल सी बात है, हम इसको चुंबक बनाना चाहते हैं विद्युत चुंबक, तो जल्दी बन जाए तो ठीक है, तो इसके लिए इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति अधिक होनी चाहिए। अगला है कि विद्युत चुंबक का जो धारणशीलता है, जो धारण करने की कैपेसिटी है, वो बहुत कम होती है, इसलिए जब मन तब इसको चुंबक, जब मन तब इसको चुंबक नष्ट कर सकते हैं, इसको जब मन तब चुंबक बना सकते हैं, जब मन तब इसको चुंबक से मिटा सकते हैं, क्योंकि इसकी धारणशीलता बहुत कम होती है। लेकिन इसकी धारणशीलता बहुत अधिक होती है, क्योंकि एक बार ये जब धारण कर लिया तो फिर इसका चुंबकत्व समाप्त नहीं होगा। इसकी धारणशीलता बहुत कम होती है, लेकिन इसकी धारणशीलता बहुत अधिक होती है, क्योंकि एक बार जब ये चुंबक बन गया तो फिर ये नहीं हटेगा। और इसकी चुंबक की प्रवृत्ति अधिक होती है, क्योंकि जो हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी चुंबक बने, देर से नहीं, टाइम ना लगे, तुरंत चुंबक बने, तुरंत मिटा दे, फिर तुरंत चुंबक बना दे, फिर मिटा दे। अस्थायी चुंबक की चुंबक की प्रवृत्ति कम होती है। सबसे खास बात, विद्युत चुंबक के ध्रुव बदल सकते हैं, विद्युत चुंबक के ध्रुव बदल सकते हैं, मतलब ये नॉर्थ और ये साउथ,
हम कुछ देर के बाद चाहेंगे तो ये नॉर्थ और ये साउथ बन जाएगा। ये डिपेंड करता है धारा प्रवाह की दिशा पर। इधर से धारा प्रवाह करेंगे तो नॉर्थ साउथ, इधर से धारा प्रवाह करेंगे तो नॉर्थ साउथ। यानी धारा प्रवाह की दिशा पर चुंबकीय ध्रुव डिपेंड करते हैं। लेकिन इसका ध्रुव फिक्स होता है, इसका ध्रुव बदलेगा नहीं, इसका ध्रुव नहीं बदलेगा बहादुर। अगला हमारा जो टर्म है, हम अगले जो टर्म की बात कर रहे हैं, एक टर्म है टैंजेंट लॉ, टैंजेंट का नियम, टैंजेंट लॉ, हिंदी में भी टैंजेंट कहते हैं, टैंजेंट लॉ, टैंजेंट का नियम, टैंजेंट लॉ, टैंजेंट का नियम। ध्यान से देखिएगा, जब किसी बिंदु पर चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र, जब किसी बिंदु पर चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र, यह हमारा चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र, और पार्थिव चुंबकत्व के क्षैतिज अवयव, चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र और पार्थिव चुंबकत्व का क्षैतिज अवयव एक दूसरे के लंबवत आरोपित किया जाए, जब किसी बिंदु पर चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र और पार्थिव चुंबकत्व के क्षैतिज अवयव एक दूसरे के लंबवत आरोपित किया जाए, जब किसी बिंदु पर चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र और पार्थिव चुंबकत्व के क्षैतिज अवयव एक दूसरे के लंबवत आरोपित किया जाए, लंबवत आरोपित किया जाए, जब किसी बिंदु पर चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र और पार्थिव चुंबकत्व के क्षैतिज अवयव एक दूसरे के लंबवत आरोपित किया जाए, एक दूसरे के लंबवत आरोपित किया जाए, तथा इस बिंदु पर यदि कोई क्षण चुंबक स्वतंत्र रूप से लटकाया जाए, इस बिंदु पर कोई क्षण चुंबक स्वतंत्र रूप से लटकाया जाए और पार्थिव चुंबकत्व के क्षैतिज अवयव और क्षण चुंबक के बीच का कोण थीटा हो, मैंने इसका डायग्राम से मतलब है, डायग्राम समझिएगा, जब किसी बिंदु पर चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र और पार्थिव चुंबकत्व के क्षैतिज अवयव एक दूसरे के लंबवत आरोपित किया जाए, तथा इस बिंदु पर कोई क्षण चुंबक स्वतंत्र रूप से लटकाया जाए, यदि क्षण चुंबक और पार्थिव चुंबकत्व के क्षैतिज अवयव के बीच का कोण थीटा हो, तो टैंजेंट का नियम कहता है कि B बराबर BH tan थीटा, B बराबर BH tan थीटा, B बराबर BH tan थीटा। जब किसी बिंदु पर पार्थिव चुंबकत्व के क्षैतिज अवयव और चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत आरोपित किया जाए, तथा इस बिंदु पर कोई क्षण चुंबक स्वतंत्र रूप से लटकाया जाए, तो क्षण चुंबक और पार्थिव चुंबकत्व के क्षैतिज अवयव के बीच का कोण थीटा हो, तो कहता है कि B बराबर BH tan थीटा। यही हमारा टैंजेंट का नियम है, यही हमारा टैंजेंट का नियम है, इसी को हम टैंजेंट का नियम कहते हैं। इस प्रकार हमारा चुंबकत्व एवं द्रव्य, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 का टोटल थ्योरी समाप्त हुआ। इस वीडियो में हमारा ये लास्ट वीडियो, पिछला साल जब हम पढ़ा रहे थे तो इस चैप्टर का 12 वीडियो डाले थे, ऑब्जेक्टिव लेकर के 12 वीडियो डाले थे, लेकिन इस साल हमारा 19 वीडियो हो गया, 7 वीडियो एक्स्ट्रा हो गया। तो आप लोग ध्यान समझिएगा, हम अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, चुंबकत्व द्रव्य एवं चुंबकत्व के हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की कुछ चर्चा करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।